जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब या डी गुजरात? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। आशुतोष पाठक हत्याकांड के आरोपी जल्द ही होंगे गिरफ्तार। बुधवार को डीआईजी सुजीत कुमार ने बिहपुर थाने का निरीक्षण किया। मौके पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, बिहपुर इंस्पेक्टर अमर विश्वास, भवानीपुर थाना, झंडापुर ओपी थाना और खरीक थाना सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम डीआईजी सुजीत कुमार को बिहपुर थाने में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। डीआईजी ने करीब 4 घंटे तक थाने में आपराधिक कांडों की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने लंबित कांडों का निष्पादन करने, फरारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और जमानत पर बाहर आए अपराधियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कुछ हत्याकांड के मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस क्रम में भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव में वैसे लोग जो पहले गड़बड़ी कर चुके हैं और जिनके द्वारा गड़बड़ी किए जाने की संभावना है, या फिर वैसे लोग जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, वैसे ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। बिहपुर में पुलिस पिटाई से मारे गए इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड के मामले में बिहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने की बाबत सवाल पर डीआईजी ने कहा कि पूर्व थानाध्यक्ष के घर की कुर्की की गई है, पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस लगातार गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। हाँ सर, यहाँ का आशुतोष पाठक वाला का अभी तक क्या हुआ है? उसका क्या हुआ मतलब? आशुतोष पाठक का यहाँ जो घटना हुई तो उसमें अभी तक जो थाना प्रभारी उस समय तो उसके बारे में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अनुसंधान में चार्जशीट समर्पित कर दिया गया है, फरार घोषित है, कुर्की करते हुए फरार घोषित है, प्रयास चल रही है। कल जो वहाँ की घटना हुई थी सर, उन संजय यादव के वाले केस में बरारी थाना के अंतर्गत, हाँ तो उनका गिरफ्तारी क्या गिरफ्तारी? वो संजय यादव का कल घटना हुई थी ना कल वाले बरारी थाना में, तो वो थाना प्रभारी का क्या है निलंबन के बाद गिरफ्तारी? जाँच चल रही, कब तक हो जाएगी जाँच? तुरंत हो जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्पष्ट हो जाएगा क्या हुआ। आज यहाँ सर बिहपुर थाने में, बिहपुर अंचल में सर, मतलब बिहपुर, नैनपुर, खरीक और नदी थाना टोटल सर ऑफिस का हुआ अंचल सर, उसके अंतर्गत सभी सभी। और सर का खास सर कोई जांच में सर क्या? कोई खास बिंदु सर जांच का सर टोटल सर? धन्यवाद। भागलपुर पुलिस कस्टडी में हुए मौत मामले में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल पहुंचा मृतक के घर। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी और लघु जल संसाधन विभाग बांका में लिपिक पद पर कार्यरत संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद एक और जहां पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद भूलो मंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मृतक कर्मचारी के परिजन से मिला और सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया।
वहीं इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस पूरे बिहार में निरंकुश हो गई है और इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस की बाबरता साफ दिखाई दे रही है। बुलो मंडल ने कहा कि पुलिस सरकारी कर्मचारी को घसीटते हुए थाना ले गई और जान से मारने का कार्य किया है। सर्वदलीय टीम बनकर आज जो मृत परिवार है उससे मिलने के लिए हम लोग आए थे और सारी बात जो सामने आई उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस की जो बर्बरता है आज भागलपुर के इस मोहल्ले में दिखाई देने को मिला और इस तरह का घटना पूरे बिहार में दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो घटना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए लात जूता मारते हुए बूट से मारते हुए राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का काम करते हैं। तो ये तो पूरे बिहार का जो ये घटना है दिल दहलाने वाला निश्चित रूप से बहुत भयानक घटना है और सारे विपक्ष के दल पूरी ताकत से इस घटना का विरोध करता है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और जो मृत परिवार है उसको जब तक सही न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहने का। इससे पहले भी बीहपुर में ऐसी घटना हो चुकी है पुलिस के द्वारा? बीहपुर की घटना हुई है उस पर भी हम लोगों ने पूरी तरह से कार्रवाई करने का काम किया है, उस पर भी वो फिरार है उस पर भी कार्रवाई होने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से सिर्फ कार्रवाई के आश्वासन से हम लोग नहीं उस पर मानने के लिए तैयार हैं, उस पर पूरी तरह से वो सस्पेंड हो, डिस्चार्ज हो, उसकी नौकरी जाए, उसको जेल हो, उसको सजा होनी चाहिए, तब हम लोग मानने का काम। अकबरनगर के श्रीरामपुर गांव में भाई ने ही अपनी बहन को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में रिश्ते को तार तार करते हुए एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीनी विवाद में भाई द्वारा बहन की हत्या किए जाने की बात बताई है। दरअसल अपने पति की मौत के बाद विधवा गुंजन देवी अपने पिता के घर में रह रही थी और पिता इंद्रेव यादव द्वारा अपनी विधवा बेटी को जमीन दी जा रही थी, जिसका विरोध भाई दीपक यादव के द्वारा किया जा रहा था। और आज सुबह विवाद होने के बाद दीपक ने अपनी बहन को गोली मार दी। गोली लगने से गुंजन देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद घोड़ा और मास्केट लेके आया, मेरे पापा में उसमें गोली चला, बस घर घुस के देखा मेरा पापा ऊपर में था, तब वो पानी कल से भर के नहाने के लिए जा रही थी, तब इसको दादा को मारने के फिर हमें उसी को लग गया गोली। किसको लगा है गोली? मेरा फुआ को। क्या नाम है उनका? गुंजना कुमार। कौन मारा है? मेरा छोटा वाला चाचा दीपक यादव। किस लिए गोली मारा? जमीन विवाद के लिए। कहाँ का मामला है ये? श्रीरामपुर अकबरनगर। किस समय की घटना है? 10 बजे। क्या नाम है? रोशन कुमार। आप कौन लगते हैं उनके? उसका भतीजा लगते हैं। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर लोजपा नेत्री के पिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के मोजादीपुर थाना क्षेत्र के सिपुरी कॉलोनी निवासी छटपटी पोखर के समीप सिपुरी कॉलोनी निवासी लोजपा नेत्री बबली वर्मा के पिता रविशंकर सिन्हा की संदेहास्पद स्थिति में जान चली गई। परिजनों ने पड़ोस किए ही दीपा यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की बेटी ने बताया कि शाम में पापा बोल कर गए कि 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद दीपा यादव ने फोन किया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरे भाई को उन्होंने बोला कि वो छत से गिर गए हैं। मृतक की बड़ी बेटी लोजपा नेत्री बबली वर्मा ने बताया कि साजिश के तहत उनके पिता की हत्या की गई है। मार के जिनको हत्या किया और ये
पूर्ण साजिश के तहत इसमें घटना को अंजाम दिया गया है और ये दीपा यादव के यहाँ गए थे और उनके यहाँ ही इस घटना को अंजाम दिया गया। उनके घर के आगे ही जो है कि इनका गली पड़ा हुआ था और फोन करके वो खुद को बुलाएं कि हमारे घर के आगे में गिरे पड़े हुए हैं और ऐसा ऐसा, इसको जल्दी से जो है हॉस्पिटल आप लोग लेकर के जाओ और वहाँ ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन वो उस अवस्था में वहीं वो दम तोड़ चुके। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को तो भाई फोन के माध्यम से पता चला, हम लोग डायरेक्ट अस्पताल आए और हमारा छोटा साला जो है उनको लेकर के अस्पताल तक आया था। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र नाथ। आपके मृतक कौन लगते हैं? मेरे ससुर जी लगते हैं। लगभग 2:30 बजे और उसके घर पे उनको फोन आया हुआ था, उसी फोन के बाद वो निकले। निकलने के बाद उनका स्विच ऑफ था और जिसके घर पे एक घटना घटी है वो मतलब कि 3:45 बजे के लगभग फोन करके बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है हिस्ट्री का और आप आकर के मिले। किनके घर गए? दीपा यादव। उनको कैसे पता चला दीपा यादव के घर गए? आप लोगों को कैसे पता चला? वो फोन करके बताई ना, वो खुद ही फोन करके बताई कि हमारे घर के पास में मनी की पड़े हुए हैं, ले जाकर के उनकी गमले भी। मामला क्या लग रहा है? मामला गंभीर लग रहा है कि वो तो हत्या का आरोप है, हत्या करा गया है। इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो था, इनका कारोबार था गैस एजेंसी पेट्रोल पंप और ये अपना प्लॉटिंग वगैरह का कारोबार था इनका। कब कितने बजे की घटना है? पौने चार बजे। घर से बढ़िया से निकले वो और वहाँ जा करके वहाँ चार तरह का स्टेटमेंट दिए है कि कभी बोले कि हमारे घर के पास हम नहीं देखे अगल बगल के लोग के द्वारा, कभी बोले कि छत पे से गिर गए हैं, पैर लटका के बैठे हुए थे, इसके बाद चप्पल भी, उनका मोबाइल भी नहीं है और पैसा भी तो था, अंगूठी था हाथ में, चैन था, अमाउंट भी अच्छा मोटा अमाउंट था उनके पास लेकर के निकले हुए किसी काम से ही। उनको घर पे सुनने में आया, हमारी कहानी बताई, उनको तो अच्छा किया जा रहा था, फोन से सुबह टेंशन हुआ था, उसी के घर पे गया, उसी के घर के आगे घटना घर में। आप कौन है इनके? बड़ी बेटी। इनका नाम क्या था? रविशंकर सिन्हा। किन्हीं पे शक जा रहा है आपको? दीपा यादव की पर शक जा रहा है, पूरे फैमिली पे। विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने की बैठक। सन 1979 से लेकर 1987 तक चल रही महर्षि मेही बाल विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की एक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में बात सामने आई कि ये विद्यालय भीषण बाढ़ के कारण बह गया था, जिसके उपरांत कुछ व्यक्ति द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और विद्यालय स्थल को दुकान में तब्दील कर दिया गया, लेकिन आज तक उस किराए का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया, जिस कारण स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण स्थल को खाली कराने के लिए बुधवार को सुबह 8 बजे एक बैठक रखी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं वार्ड पार्षद अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए सांसद प्रतिनिधि चंदेश्वरी सिंह निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, डॉक्टर गोपाल भारती, एडवोकेट मुक्ति मधु यादव, सज्जन शाह, गेनालाल सिंह, अयोध्या प्रसाद मौजूद थे। मंच संचालन डॉक्टर दीपक कुमार साह ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विकास विद्यालय को पुनः निर्माण और इस स्थल पर बहुउद्देश्य भवन बनाया जाए, जिसमें किराएदार प्रेम कुमार भगत और विवेका प्रसाद द्वारा कहा गया 31 दिन के अंदर हम इसे खाली करा देंगे। सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की और सभी लोगों ने अपना अपना योगदान देने का भी आश्वासन दिया, जिसमें वार्ड आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस निर्माण में जो भी खर्च आएगा उसमें ईंट का खर्च मैं दूंगा और सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपा जिलाध्यक्ष के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि इस कार्यक्रम में मेरी भी विशेष भूमिका रहेगी और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपना अपना विचार रखते हुए इसके निर्माण के लिए अपना मत दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे मुनिलाल सिंह, संजय रजक, अर्जुन कुमार सूरज, अरुण सिंह, मनोज सिंह, सुबोध साह, अमन कुमार, बबलू सिंह, संदीप कुमार, रतन स्वर्णकार, त्रिवेणी सिंह, आनंदी सिंह, गोपाल सिंह, रामचंद्र शर्मा, सुरेश शाह आदि। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680,
8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। राजकुमार बने नौगछिया के प्रभारी थानेदार। नौगछिया थाने में प्रतिनियुक्त दरोगा राजकुमार सिंह को नौगछिया थाने का प्रभारी थानाध्यक्ष बनाया गया है। मुंगेर गोलीकांड मामले में नौगछिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष शैलेश कुमार को मुख्यालय बुला लिए जाने के बाद नौगछिया एसपी ने राजकुमार सिंह को थानाध्यक्ष का प्रभार दिया है। राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन टीम में नवगछिया के राहुल का चयन। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक जयपुर राजस्थान में आयोजित होने वाली 66वीं राष्ट्रीय सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष व महिला में भाग लेने वाली बिहार टीम में नवगछिया के खिलाड़ी का चयन हुआ। इसका चयन पिछले दिनों कुशवाहा आश्रम हाजीपुर वैशाली में 18 से 20 मार्च तक आयोजित 27वीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष व महिला के प्रदर्शन के आधार पर हुआ। ये जानकारी राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बिहपुर बाजार निवासी राजकिशोर साह के छोटे पुत्र राहुल कुमार का चयन हुआ है। राज्य टीम में चयनित होने पर नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के मुख्य संरक्षक सह बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, उपाध्यक्ष मोहम्मद शमीम उर्फ मुन्ना, कोषाध्यक्ष रितेश दुबे, वॉलीबॉल प्रशिक्षक नीलेश कुमार, भागलपुर नेटबॉल संघ के सचिव करार खां, भागलपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव बबलू कुमार मोदी, राकेश कुमार, जेम्स फाइट आदि ने बधाई दी। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। दाता मांगन शाह रहमतुल्ला अलैह उर्स में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। बिहपुर खानका की ओर से दाता की गई चादर पोशी। प्रखंड के मिल्की गांव स्थित हजरत सैदाना दाता मंगन शाह रहमतुल्ला अलैह के उर्स का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यहां हर साल लाखों लोग की संख्या में जायरीन व अकीदत मंद दाता की जियारत व चादर पोशी करने आते हैं। इस बार 30 मार्च को शुरू हुए दाता के सालाना उर्स पाक की पहली चादर पोशी हिंदू काइस्त परिवार के उज्जवल कुमार दास की परिवार से चादर पोशी की गई। वही चादर पोशी बिहार अंचलाधिकारी के द्वारा की गई। करीब 5000 जायरीनों ने दाता की चादर पोशी एवं 1,00,000 लोगों ने दाता की जियारत की। दाता मंगन शाह के उर्स में पहुंचे बाले जियारनों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। उर्स पाक में इस बार खानका आलिया फरीदिया मोहब्बतिया की ओर से सजदा नशी हजरत अली कौनेन खां फरीदी एवं नायब सजदा नशी हजरत मौलाना दाता मंगन शाह की चादर पोशी की गई। सजदा नशी ने बताया कि खानका की ओर से लगातार 145वें वर्ष दाता की चादर पोशी की गई। आगे इन्होंने कहा कि दाता के दरबार में जो भी लोग सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। मौके पर करार खां, जावेद खां आदि मुरीदीन जायरीन शामिल थे। इधर दाता के उर्स में जायरीनों का आने का सिलसिला जारी है। सभी लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रत्ती भर नहीं किया जा रहा। झूले वाले पर कमेटी का कोई ध्यान नहीं जो महामारी को दावत दे रहे हैं। नवगछिया पीएचसी में हुआ विदाई समारोह का आयोजन। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने कर्मी अर्जुन गोस्वामी और एएनएम वीणा कुमारी का विदाई समारोह किया गया, जिसमें दोनों कर्मियों को उपहार स्वरूप गिफ्ट दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि ये दोनों पीएचसी में लंबे समय से कार्यरत थे, जिनकी विदाई की गई। इस अवसर पर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर बी दास, प्रधान लिपिक कैलाश प्रसाद यादव, मैनेजर ओम कुमार, सुमित कुमार सहित एएनएम व कई आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दिन दहाड़े गोली चलाना कुख्यात मिथुन की फितरत। तिनटंगा करारी के बाहुबली पूर्व मुखिया अखिलेश यादव के पुत्र कुख्यात मिथुन यादव की फितरत में है दिन दहाड़े गोली फायर कर दहशत फैलाना।
थाने के निकट गोली फायर करने के एक दिन पूर्व गोपालपुर गांव में दिन दहाड़े हथियार दिखाकर ऑटो चालक को रुकने का इशारा किया। भय के कारण ऑटो ड्राइवर आगे बढ़ता गया। कुख्यात मिथुन ने बाइक से पीछा कर ऑटो को रोककर चालक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और 3-4 राउंड गोली चलाकर आराम से चलते बना। इसके पूर्व पीर बाबा के मेले के दौरान दर्जनों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर आराम से चलते बना था। हालांकि वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। पेट्रोल पंप पर भी गोली चलाने के मामले में वो नामजद है। हालांकि नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मिथुन यादव व रंजीत यादव की गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल करवाकर सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय की सूचना पर गोपालपुर पुलिस ने यूपी के ट्रक चालक को गोपालपुर के वरुण मंडल के घर से कराया मुक्त। यूपी के कासगंज जिले के अंतर्गत ढोलना गांव निवासी गुरविंदर सिंह के द्वारा पुलिस मुख्यालय पटना को दी गई सूचना पर पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के बाद गोपालपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से अपहरत 2 ट्रक चालकों व उसके अन्य सहयोगियों को सकुशल बरामद कर थाने लाया। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक सह गोपालपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामला काफी गंभीर था। मंगलवार की देर रात को वरीय पदाधिकारियों की सूचना पर ट्रक चालकों सहित 4 लोगों को गोपालपुर के वरुण मंडल के घर से कराकर थाने लाया गया, परंतु इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा। कासगंज से गुरविंदर सिंह के आने के बाद पूरा मामला सामने आएगा। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के कासगंज ढोलना गांव निवासी अनुज कुमार, मनोज कुमार, शिव कुमार व विपिन कुमार में आपस में ट्रक बिक्री खरीद को लेकर विवाद में ट्रक का अपहरण कर गोपालपुर के वरुण मंडल व सरुण मंडल के घर में रखा गया। कहा जा रहा है कि उक्त ट्रक से मार्बल मंगाया जा रहा था, परंतु ट्रक झांसी में खराब हो गया। अपहृत अनुज कुमार ने अपने भाई गुरविंदर सिंह से जिस खाते में राशि मंगाई वो खाता गोपालपुर के वरुण मंडल की जांच के दौरान पाया गया। नवगछिया रंगरा में एक कपड़े की दुकान में हुई चोरी। रंगरा गांव स्थित एक कपड़े की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत दुकान के मालिक कुरसेला निवासी अनिकेत कुमार ने थाने में सूचना दी है। अनिकेत का कहना है कि अज्ञात चोरों ने 50,000 मूल्य के कपड़ों की चोरी कर ली है तथा कुछ नगदी की भी चोरी की है। दुकानदार ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दूरभाष से दी। रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। विवाह भवन 0 Mile NS 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।